अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूटी चैनल। आज की टिप जो है वो है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जिनको हो जाते हैं कोल्ड एंड कफ के इश्यूज़। आपको पता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है कि वो मेडिसिन ना खाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मेडिसिन ना खाना इज़ लाइक अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रबल से गुजारने वाली बात हो जाती है, क्योंकि कफ एक ऐसी चीज़ है जिससे रात की नींद हराम हो जाती है इंसान की। तो इसको क्योर करने का बेस्ट तरीका ये है कि जो आपको डैमेज भी ना दे किसी किस्म का, बेबी भी सिक्योर रहे, आप भी सिक्योर रहे। हेल्थ तो आपको पता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी में, जो आप चाहेंगे कि जितनी जल्दी क्योर हो उतना ही अच्छा है। तो इसके लिए सिंपल सी रेमेडी आपने ये करनी है कि आपके किचन काउंटर में हमेशा रखें शहद। शहद बहुत ज़रूरी है। ये देखें, हनी मेरे काउंटर से कभी ख़त्म नहीं होता, एक बॉटल ख़त्म होती है दूसरी रिप्लेस कर लेती हूँ, मतलब सरप्लस ही रहता है माशाल्लाह से। ये देखें लौंग है, हर औरत इसको इस्तेमाल करती है खाना बनाने में। ये लौंग देखें, लौंग गरम मसाले में आपको मिलता है, आप लोग यूज़ करते हैं हमेशा खाना बनाने के लिए। ये एक लौंग और ये लेमन, ठीक है। लेमन आजकल सीज़न में भी हैं, वैसे भी आप इनको लेमन को फ्रीज करने का और इनके जूस को सिक्योर करने का, प्रिजर्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन वीडियोज़ में, जब सीज़न में ना हो। कई दफ़ा होता है महंगे बहुत हो गए, सीज़न में नहीं है, आपको यूज़ करना ही करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि उसको प्रिजर्व करने का तरीका क्या है। बहरहाल अभी हम फ्रेश लेमन यूज़ करेंगे और ये हाफ ही यूज़ करेंगे। आपने करना ये है कि रेगुलर पानी जो चाय के लिए आप गर्म करते हैं विदाउट पत्ती के, खाली पानी बॉयल करें। खाली पानी एक कप बॉयल करें, मैं फिर बता रही हूँ, खाली पानी एक कप बॉयल करें। उसको बॉयल करने के बाद पोर करें आप एक कप में। कप में पोर करने के बाद डालेंगे ये एक अदद लौंग। लौंग को आप 2 मिनट का रेस्ट देंगे उसमें, जब तक कि ये अपना रंग ना छोड़ दे। जब ये छोड़ दे अपना रंग, आप डालेंगे उसमें 1 टीस्पून हनी। हनी बहुत तेज़ गर्म पानी में कभी नहीं डालना चाहिए, कुकिंग के दौरान कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब की सब डेड हो जाती हैं। हनी को जब यूज़ करें नीम गर्म पानी में यूज़ करें, ठीक है। जब आप देंगे इसको 2 मिनट का रेस्ट, तो आपका पानी हो जाएगा नीम गुनगुना। उसके अंदर आप डालेंगे 1 टीस्पून हनी और करेंगे ये लेमन, हाफ लेमन स्क्वीज़, ठीक है, सॉरी, ये हाफ लेमन स्क्वीज़ करेंगे और इसको आप मिक्स करेंगे और पी जाएंगे, गरम गरम पियेंगे, ताकि आपका जितनी भी कफ है, गले की सोजिश है, उसको करेंगे दूर। ये करेंगे आप दिन में 2 दफ़ा रोजाना इस्तेमाल, जब तक कि आपका गले का प्रॉब्लम हो नहीं जाता रिजॉल्व, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा। थैंक यू।